एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले कि आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बहुत गंदी वाली गालियों की बोछार करें मेरे बालों को लेके, मैं आप लोगों से पहले ही बता देती हूँ कि मैं ऑलरेडी घंटों घंटों बैठ के रो चुकी हूँ इन बालों के ऊपर एंड काफ़ी डिप्रेस थी बहुत दिनों से। अभी जाके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत दुख है कि मैंने ये अपने बालों का क्या करा लिया, लिटरली मेरे इतने बड़े बाल थे, माई गॉड। खैर बस आपसे एक ही चीज़ है कि प्लीज़ मेरे वीडियो में आके कुछ मेरे बालों के बारे में मत लिखना, क्योंकि जितना मैंने अपने आप को भी ठीक किया है इनको लेके ना, अगर मैंने एक कमेंट भी देख लिया नेगेटिव तो शायद मैं वापस से रोना शुरू कर दूंगी। अब जो हो गया वो हो गया, अब थोड़ी अच्छी चीज़ पे चलते हैं कि मैंने मंगाई है बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी लिबास से कुर्ता सेट एंड इतनी अच्छी आउटफिट्स आई हैं और कि तबाही लग रही थी पहनने के बाद। तो मैं ये बता दूं कि ये जितने भी कुर्ता सेट मैंने मंगाए हैं ये इस पर्सपेक्टिव से मंगाए हैं कि अगर आप जॉब करते हैं एज अ टीचर या कहीं पे भी, और अगर आप कॉरपोरेट में हैं तो आप अपने ऑफिस में पहन के जा सकते हैं, बहुत अच्छे आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। कॉलेज पहन के जाना है तो कॉलेज में भी पहन सकते हो, और नॉर्मल छोटा मोटा अगर कोई फंक्शन है हल्का फुल्का पूजा पूजा टाइप तो आप पहन सकते हो। इतने कंफर्टेबल आए हैं, प्रॉपर कॉटन के हैं एंड बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है, तो मुझे पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था एंड लिबास से है तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल तो होने ही थे क्योंकि लिबास। ओके तो ठीक है, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है हमारा आज का पहला कुर्ता, व्हाइट कलर में है, इसके ऊपर ब्लू कलर की लीव्स बनी हुई है अगर आप देख सकते हो, अगर इसके स्लीव्स जो हैं उसके ऊपर ऐसे पिंक कलर का बॉर्डर में प्रिंट बना हुआ है, बिल्कुल छोटू छोटू सा इसका बॉर्डर है बहुत छोटा सा इसका बॉर्डर है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था कुर्ता, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। नीचे जो इसका प्रिंट है वो भी आप देख सकते हो पिंक कलर में, इसके साथ दुपट्टा भी आया है और इसके साथ प्लाजो भी आया है, तो पूरा थ्री पीस सेट है, बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा था पहनने के बाद, और मतलब इतना कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल परफेक्ट, और बिल्कुल भी इसमें कोई चमक धमक नहीं है, तो आप आराम से अपने ऑफिस में वेयर कर सकते हो इसको। बाकी मैंने मंगाया है इसको मीडियम साइज़ में, तो आप लोग देख लेना कि आपको कौन सा साइज़ आएगा एंड इसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ ही एकदम परफेक्ट आई है। पीछे से अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से ये पीछे है, पीछे पूरी ऐसे लीव्स बनी हुई है, ठीक है। इसके साथ जो इसका प्लाजो है वो इस टाइप का प्लाजो है, पूरा प्लेन है ऑफ वाइट में, और नीचे ऐसे ये पिंक कलर का ये दिया हुआ है, इसका भी फिटिंग एकदम परफेक्ट थी। और अगर इसका दुपट्टा दिखाऊं तो ये है इसका दुपट्टा, वन सेक, हाँ तो ये इसका दुपट्टा है, ऐसे एकदम एंड पे इसका वही दिया हुआ है पिंक कलर में एंड बीच में वही लीव्स हैं, और इस साइड भी एंड में पिंक कलर का दिया हुआ है, तो दैट्स इट। इसको मैं रेट करूँगी 10 out of 10, और आई थिंक कोई शॉक होने वाली बात नहीं, आई थिंक मैं सारे कुर्ते को 10 out of 10 ही देने वाली हूँ। तो चलते हैं आज के सेकेंड कुर्ता की तरह। तो आज का जो सेकंड कुर्ता है वो मैंने पहना हुआ है एंड ये मुझे इतना पसंद आया था कि जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया तो मैंने सोचा कि मैं आज यही पहनने वाली हूँ जहाँ भी मैं जाऊँगी, तो मैंने आज की अपनी आउटफिट यही रख ली, मुझे इतना पसंद आया एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ट्रेंडी वाइब दे रहा था एंड स्टिल बहुत क्लासी भी लग रहा था क्योंकि शॉर्ट कुर्ते में है ये और उसके नीचे प्लाजो है एंड ऐसे चिकन करी का वर्क दिया हुआ है इसके ऊपर, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बिल्कुल प्योर कॉटन में है, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, कहीं पे भी किसी भी ओकेशन पे पहन के जा सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट लगने वाला है। तो या एंड इसके साथ प्लाजो आया है और शॉर्ट कुर्ती आई है, इसके साथ कोई दुपट्टा उपट्टा नहीं आया है, आप इसको हील्स के साथ भी पहन सकते हो, जुत्ती के साथ भी पहन सकते हो, आई थिंक हर किसी के साथ ये परफेक्ट लगने वाला है, तो यस मुझे ये अच्छा लगा। इसके स्लीव्स अगर आप देखोगे तो यहाँ से पूरी ऐसे मतलब ये शायद तो ना फुल है और ना ये हाफ है और ना यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक है स्लीव्स की लेंथ, ठीक है, और स्लीव्स पे ये डिज़ाइन दिया हुआ है दोनों साइड में, और ऐसे प्लाजो में भी नीचे ये वाला डिज़ाइन दिया गया है, तो इसको मैं रेट करूँगी 100 out of 10 नो डाउट। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ। तो ये है हमारे आज का थर्ड कुर्ता सेट इस हॉल का एंड आप लोग देख सकते हो कि बहुत यूनिक सा कलर है, मतलब इसमें थोड़ा ग्रीनिश एंड
बिल्कुल लाइट सा इसमें येलो भी है, और मेनली ये थोड़ा लाइट ग्रीन एंड काफ़ी सारे ग्रीन इसके अंदर मिक्स है। अगर मैं कलर की बात करूँ ना, ऑलमोस्ट सारे ग्रीन कलर इसमें आ रहे हैं। तो कलर इसका मुझे काफ़ी यूनिक लगा एंड बहुत अच्छा भी लगा। सेम पीछे से भी ये ऐसा ही है, आप देख सकते हो ऐसा ही है एकदम। और इसका जो नेक है, नेक का डिज़ाइन है ऐसे राउंड में, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा कि बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं है। इसकी स्लीव्स मतलब आप लोग देख लो, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और बस कुछ भी इसमें ऐसा कोई हैवी वर्क नहीं किया हुआ, बस यहाँ पे जो है ये वर्क है और कोई वर्क नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा पहनने में, बहुत रॉयल सी लुक दे रहा था। इसका जो प्लाजो है वो इस कलर का है, थोड़ा क्रीमी कलर का है ये। और ये भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइट सा है और बहुत कंफर्टेबल था पहनने में। फिटिंग वाइज एकदम परफेक्ट है सारे ही कुर्ते। एंड ये है इसका दुपट्टा, सेम उसी प्रिंट के साथ है, जिस कलर का हमारे पास कुर्ता है सेम वैसा ही इसका दुपट्टा है, ऐसे सी थ्रू में। तो काफ़ी एकदम परफेक्ट कुर्ता है आपके ऑफिस वगैरह के लिए। इसको मैं रेट करूँगी 10 out of 10। चलते हैं आज के नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ। तो ये है हमारा फोर्थ कुर्ता सेट इस होल का। इसकी जो नेक है वो आप देख सकते हो ऐसे राउंड में है, नॉट एट ऑल रिवीलिंग। एंड पीछे से ऐसे पूरा फुल नेक है। और इसकी स्लीव्स है, इसकी भी आप ऐसे देख सकते हो लेंथ कितनी है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट हो रखा है पिंक कलर में, एंड ये है, ठीक है। और पूरा इसका जो प्रिंट है वो ऐसे है, पिंक एंड ग्रीन कलर का ये कॉम्बिनेशन में है कुर्ता। तो अच्छा लग रहा था, इसके लेंथ भी एकदम परफेक्ट है सारे कुर्ते की। पहनने में अगेन बहुत कंफर्टेबल है, अंदर ऐसे अस्तर लाइनिंग भी दी हुई है, ठीक है, ताकि सी थ्रू ना हो बिल्कुल भी। एंड दिस इज द बैक। तो इसमें बहुत छोटे छोटे से ना, अगर आप लोग वीडियो में दिख रहा है आई डोंट नो, बहुत छोटू सा इसमें स्पार्कल आ रहा है। मतलब यहाँ पे ना ऐसे वो गोल गोल जो स्पार्कल वाले होते हैं ना वो लगाए हुए हैं कुर्ते में, ठीक है। तो आप ऑफिस में पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा कोई चमकू नहीं है। बट हाँ, आप इसको फंक्शन वगैरह में भी पहन सकते हो। तो ये एक्चुअली मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इसके साथ है दुपट्टा, ये रहा, ठीक है, सेम प्रिंट में है, सब कुछ एकदम सेम है। और फिर इसके साथ है ये प्लाजो, अगेन वेरी वेरी कंफर्टेबल, फिटिंग वाइज एकदम 10 on 10, ए स्टार। तो इसको भी मैं रेट करूंगी 10 out of 10। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ। तो ये है थोड़ा ऑफ वाइट कलर में, और इसमें पिंक कलर का कढ़ाई वाला वर्क हो रखा है, बट बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत प्योर कॉटन में है ये। इसको टच करके भी पता चल रहा है, और अंदर प्रॉपर लाइनिंग दी हुई है बहुत हाई क्वालिटी की, ताकि सी थ्रू ना हो एंड पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल हो। एंड इसकी जो नेक है वो ऐसे राउंड आके नीचे भी है, देख सकते हो आप। तो ये भी रिवीलिंग नहीं है बिल्कुल भी। ये इसका स्लीव्स का लेंथ है, एंड पीछे से एकदम प्लेन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक्चुअली अगर आप वर्क वगैरह करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो जॉब वर्क के लिए ये एकदम परफेक्ट कुर्ता है, ठीक है। तो मुझे बहुत पसंद आया। और इसके साथ दिया हुआ है एक प्लाजो, ये रहा, ठीक है, ऊपर से पूरा प्लेन है, नीचे जाके थोड़ा सा इस पे ऐसे वर्क दिया हुआ है पिंक और ग्रीन कलर का, और जो ग्रीन वाला है ये हल्का सा स्पार्कली है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, फिटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट। एंड जो मटेरियल है, पता नहीं ये खादी का है या कॉटन है, बट जो परफेक्ट होता है ना एकदम अपनी स्किन के लिए, ये वो वाला है। मतलब स्वेटिंग भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ ऐसा जो भी होता है, हाँ, तो वो है, मतलब अच्छा क्वालिटी है, ठीक है। इसके साथ है ये इसका दुपट्टा, दुपट्टे में ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है पिंक कलर के ट्राइंगल्स में, और बीच में ऐसे ये हल्का हल्का पिंक कलर का वर्क है, ठीक है। तो इसको भी मैं रेट करूँगी 10 out of 10। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ। तो ये है हमारे आज का नेक्स्ट कुर्ता सेट, बहुत फ्लोरी मतलब बहुत फ्लोरल है ये। तो बहुत फ्लोरल क्या होता है, फ्लोरल है, ठीक है। तो इसमें फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं एंड लीव्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन का है। इसका जो नेक पे है, नेक पे ऐसे प्लेट्स डाली हुई हैं, अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे प्लेट्स डाली हुई हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक छोटा सा एक बटन भी दिया है, ठीक है। ये इसकी स्लीव्स है, और स्लीव्स के एंड में भी इन्होंने ऐसे प्लेट्स डाली हुई हैं। और ये थोड़ा सा नायरा कट बोलते हैं इसको, मतलब मुझे पता नहीं, शायद नायरा कट ही बोलते हैं। तो ये साइड से ऐसे पूरा ओपन में है,
ठीक है, और ये थोड़ा सा ऐसे नीचे ऐसे जाके और ऐसे है, ठीक है, तो आई थिंक ये नायरा कट में है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे से भी ये पूरा सेम प्रिंट में ही है और कॉटन में है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। इसके साथ मिलेगा ये प्लाजो, ठीक है, ऐसे पूरा खुला है प्लाजो नीचे से भी, एंड बिल्कुल लास्ट में एकदम ऐसे बॉर्डर लगाया हुआ है इसका, काफ़ी प्यारा एंड काफ़ी स्किन फ्रेंडली एज वेल। तो ये है इसका दुपट्टा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मटेरियल का है एंड एकदम छोटू सा दुपट्टा है ये, तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसका दुपट्टा है। तो इसको भी मैं रेट करूँगी 10 out of 10 एज यूजुअल। तो चलते हैं आज के लास्ट कुर्ता सेट की तरफ, टाना टेरन टेरन, ये है पिंक कलर में, उसमें आई थिंक एक और ग्रीन कलर भी अवेलेबल था साइट पे, बट मुझे पिंक ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। ये है कॉटन में है पूरा, और इस पे थोड़ा सा ऐसे हल्की हल्की बॉर्डर में पूरी कढ़ाई करी हुई है, अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है, और बीच बीच में भी ना ऐसे सर्कल में कढ़ाई बनाया हुआ है, तो ये अच्छा लग रहा था। एंड इसके बैक से ऐसे ये स्ट्रेचेबल है, ठीक है, और ऊपर से ये ऐसे स्ट्रैप दी हुई है, बिल्कुल पतलू सी स्ट्रैप है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्या है कि मुझे पहले पता नहीं था कि ये स्ट्रैप जो है ये एडजस्टेबल है और ये एडजस्ट हो जाएगा, तो पहले जब मैंने सबसे फर्स्ट टाइम इसको पहना, तो ये बहुत डीप आ रहा था, तो बहुत डीप नेक हो रहा था, तो मुझे लगा कि इसको तो मैं होल में नहीं दिखाऊंगी, बट फिर मैंने इसको एडजस्ट किया, फिर ये थोड़ा ठीक हो गया। ओके, तो आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, कि आपको कितना डीप चाहिए और कितना डीप नहीं चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो नेक का डिज़ाइन है वो ऐसे वी शेप में है, एंड ये थोड़ा ऐसे अनारकली वाला है। इसके साथ है ये इसका प्लाजो, ठीक है, जिसके नीचे वही बॉर्डर में कढ़ाई वाला वर्क दिया हुआ है एंड बीच बीच में गोल वाला, ठीक है। पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल था, कपड़ा काफ़ी स्किन फ्रेंडली था एंड पहनने के बाद अच्छा भी काफ़ी लग रहा था, तो इसको भी मैं रेट करूँगी 10 out of 10। वीडियो यही समाप्त होती है एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप कुछ ना कुछ इसमें से परचेज़ ज़रूर कर लेना। अभी शायद सेल भी चल रही है, फेस्टिव सेल चल रही है अच्छी खासी, तो आप मंगा लेना, क्योंकि बाद में फिर ये बहुत महंगे हो जाएंगे, आई थिंक दैट्स राइट। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, जो भी करते हैं वो सब कर देना, जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, एंड या थैंक यू, बाय बाय, लव यू।